भी संघर्ष किया है वो हमेशा सफल रहे। हमें ये देखना है कि अत्याचारियों के खिलाफ, अन्यायियों के खिलाफ, असत्य के खिलाफ कोई संघर्ष करके झंडा लेकर के खड़ा रहता है तो उसमें हमें जातिवाद, राजनीतिक पार्टी की विचारधारा को भूल करके अन्याय के खिलाफ उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारा ये धर्म बनता है। मैं विशेषकर ओबीसी वालों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको कुछ भी कहे यार ये तो लक्ष्मण वडेरा, उदयराम जी ये कर रहे हैं, तो इन्होंने कोई ठेका थोड़ा लिया, ये अन्याय के खिलाफ कर रहे हैं नहीं। आज देखा जाए तो आरक्षण कितने प्रकार का है, आरक्षण ओबीसी को भी मिलता है, एससी को भी मिलता है, एसटी को भी मिलता है। अगर तीनों आरक्षणों को मिला दिया जाए तो हम 85% के लगभग हमारा मतदाताओं में राजनीति करने का हक मिलता है, लेकिन हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। उसकी जवाबदारी अपनी कमजोरी अपनी खुद की है, क्यों अपने एक होते नहीं। मैं बलराम जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि ओबीसी का खर्चा यहाँ बाड़मेर में अपन लोगों ने किया है, लेकिन अपने को सफलता जो मिलनी चाहिए वो सफलता नहीं मिली है। और जब तक संघर्ष तकड़ा नहीं होगा, सरकार को हिलाने वाला नहीं होगा, तब तक सरकार की आंख खुलेगी नहीं। इसलिए ये जो हो रहा है, आदुराम जी भी बैठे हमारे जिला अध्यक्ष है, अत्याचार के खिलाफ कोई बुलावा आवे तो हमें आना चाहिए और उस कार्यक्रम में शरीक होकर के और आंदोलन में भाग लेना चाहिए, क्योंकि जो गलत करता है वो तो गलत होगा। हम किसी जाति विशेष को दोष देते नहीं है, हम तो अत्याचार कोई भी जाति का होता है तो अत्याचारी को अत्याचारी होता है। इसलिए ऐसे जघन्य अपराध के खिलाफ हमें एक होकर के समय देना चाहिए, समय की मांग है, नहीं तो अत्याचार और बढ़ेंगे। कल अपनी पारी आएगी, परसों छोटी जात वाले की पारी आएगी, कल कोई नियता है जिसके घर में कुछ भी नहीं है उसकी पारी आएगी। किस प्रकार हम इंतजार करते रहेंगे तो ये जुल्म बढ़ते जाएंगे। जुल्म रोकने का एक ही तरीका है, सभी लोग एक हो और आवाज उठाओ, संघर्ष करो और विजय हासिल करो। यही मेरे आपसे निवेदन है। जय हिंद। पीड़ा और वेदना की राज्यों के इकट्ठा हुए सर्व समाज के समस्त प्रतिनिधिगण और हर गली मोहल्ले से पधारे, घर से पधारे, इस यातना में पीड़ा को की उपस्थिति दर्ज कराने पधारे समस्त साथियों, बुजुर्गों, माता, भारतीय संविधान की प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बात कही गई है, व्यक्ति की गरिमा से देश की अखंडता बनती है। प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, वह कहता है समता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता से देश की अखंडता बनती है और वह अखंडता देश के नागरिकों की गरिमा से विरोही जाती है। अब हुआ क्या है इस देश के अंदर, व्यक्ति गरिमा को नजरअंदाज किया गया, गला काटा गया। जब व्यक्ति की गरिमा का गला काटा गया तो देश की अखंडता कैसे सुनिश्चित रहेगी। उधर राम जी भाई साहब कह रहे थे अपराधी है, अपराध किया है, इसमें कोई दो राय नहीं और अपराध प्रूव हो चुका है चारों तरफ, कानून की भाषा में, समाज की भाषा में, रह की भाषा में अपराध प्रूव हो चुका। और दिन प्रतिदिन की ये घटनाक्रम है आज की नहीं। अब अपन मेमोरेंडम लेके कहां जाएंगे, प्रशासन के पास जाएंगे। प्रशासन क्या है? प्रशासन सरकार का छोटा बाबू है जो बात को सरकार तक पहुंचा थोड़ी ना कर देगा, सब कुछ सरकारें करेगी, खेद कौन कर रहा। अच्छा, अपराधी ने अपराध कर लिया, अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, अब न्याय क्या चाह रहे हम? न्याय कौन देगा? हमारी गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट खेदात्मक वातावरण अपना रही है कि आप उनके खिलाफ नारा नहीं लगाएंगे, कि अपन अशोक गहलोत को नहीं कह रहा है कि तू गलत कर रहा भाई, थोड़े भर भर के वोट टेक रहे हम तेरे को और तू गलत कर रहा है। एक एक जगह ऐसा कार होता है, कांड करती है, वहां तू दो नौकरी दे देता है, 50 लाख दे देता, और एक
व्यक्ति की गरिमा का आकलन तू 5 लाख कर रहा है। सबसे बड़ा अपराधी कौन है यहाँ पे ये बताओ मुझे, सबसे बड़ा अपराधी कौन है ये बता दो तुम। तो अब तो सरकार भी तो अपराधी है। हमारी हमारी गर्दन की उसने कितनी बोली लगाई ये अपन कोई नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे दमक के पहने हुए हैं। पानाराम जी को तो सैल्यूट है मगर वो नहीं कहेगा। वो 22 पार्षदों को भी सैल्यूट है, एक महासचिव महोदय को भी सैल्यूट है, और जितने भी नेता आगे आए हैं परिवार के साथ उन सबको सैल्यूट है। मगर आज भी दीवार के पीछे दुमके से वो दुपट्टा ओढ़े बैठे लोग सेमे से लारे उबोरे करूं भाई मैंने वो फलानो देख ले, ढींकड़ो देख ले, पूंछड़ो देख ले, ये नहीं होनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि दिल की तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल जाते हैं, और दिल की तमन्ना झूठी हो तो निकले हुए रास्ते बंद हो जाते हैं। आंदोलन की परिभाषा ये नहीं है। प्रोटेस्ट की व्हाट डिफाइन टू प्रोटेस्ट, आप प्रोटेस्ट को कैसे परिभाषित करोगे वो मुझे थोड़ा बता दो। डेफिनेशन क्या है विरोध की, संविधान कैसी डेफिनेशन देता है वो आप करोगे नहीं। अगड़ी जातियों की बात करते हैं, हमारे घर के अंदर जब बच्चा दीवारों के सहारे अंगुली के सहारे बड़ा होता है तो अपन कहते हैं कि मेरे को पापा जी पीट दिया, बदमाशी की होगी। तो अपन जो घरों के अंदर जो शिक्षा भी दे रहे हैं ना वो दया डर भय की देते हैं, क्योंकि मार्शल शिक्षा ही नहीं देते हैं। अभी भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो डर भय के साय में करना चाहते हैं। अरे कोई मैंने मार दी अगली टिकट कट जाए, नो तुम्हारी जो गर्दन कटी उसकी कीमत को तो आपको वसूलना पड़ेगा। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, अधिकार ना मांगे मिले कभी, अधिकार तो सीने जाते। ये डेफिनेशन है प्रोटेस्ट, वो करना होगा तुम्हें, हमें बोलना पड़ेगा सरकार ने गलत किया। अपराधी के साथ सरकार अपराधी क्यों बन रही, वो बात तो हमें गली मोहल्ले खेत खलियान पड़ोस में इलेक्ट्रिक मीडिया प्रिंट मीडिया ये लोग खड़े हैं ये लेकर के, हम ये कहें कि मेहरबानी है क्या दिखाएंगे। ये बाड़मेर में प्रोटेस्ट हुआ, लाखों का सैकड़ों लोग आए, दिखाओगे क्या? कलेक्टर को ज्ञापन दिया, राज्यपाल के सारे मौन था निकल गए। उनको हिलाना पड़ेगा, उन आकाओं को हिलाना पड़ेगा। ये बातें तो महापुरुषों ने पहले कह दी थी कि तुम्हारी मार पिटाई होगी फिर तुम पर्दा उठाटो के हंसोगे कि इधर से तुम ना झांको उठा के आज पर्दे को, उधर से हम ना झांके उठा के आज पर्दे को, लगा दो आग पर्दे में ना तुम झांको ना हम झांके। जब जटियो पीटे तब मेघवाल हंसे, मेघवाल पीटे तब भील भाई हंसे, भील भाई पीटे तो खटीक भाई हंसे, खटीक भाई पीटे तो जीन के भाई हंसे, जीन के भाई पीटे तो ओबीसीरो भाई हंसे, ओबीसीरो भाई पीटे तो मोची भाई हंसे। ये क्या चल रहा है, पिटाई सबकी होगी धीरे धीरे, पिटाई का स्वरूप अलग है, पिटाई का अर्थ अलग है, पिटाई की वेदना अलग है, पिटाई की पीड़ा अलग बन गई है। उस परिभाषाओं को अपन समझ नहीं पाए, फिर सब रहे तो आज आग लगाने की जरूरत है उन पर्दों को। उठा उठा देखा नहीं कहीं को नापाड़ो तो कोनी है, सब अपने ही सिर गिने जाएंगे। जैसे उदाराम जी ने कहा कल भीड़ में आना है, हो सके तो बहन बेटियों के साथ, हो सके तो सारी व्यवस्थाओं के साथ, बच्चों के साथ भी आओ, हो जाएगा एक भी तो हमारा ही गया, सब आओ और अपनी पीड़ा वेदना का आकलन करो यहाँ पे। ये हमारे घर का एक नन्ना बच्चा, और इस देश के अंदर ये भी कहा जाता बच्चा भगवान का रूप है, हर एंगल से तुम देख लो कितना बड़ा जुर्म हुआ है। जुर्म की लड़ाई को लड़ाई के तरीके से लड़ना पड़ेगा, उस सब के लिए आप जैसा हमें मार्गदर्शन करेंगे, दिशा निर्देश देंगे, जैसा ही आप हमारे को हेला करेंगे, जैसा जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने का इशारा करेंगे, हम आपके साथ है तन मन धन से। आज सर्वप्रथम उस नन्हे मुन्ने की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो मारपीट के कारण उसका देहांत हुआ, और उस परिवार के सांत्वना। आज सवेरे उदाराम जी का फोन आया कि इस प्रकार की जो घटना कल 15 अगस्त को
मीडिया के माध्यम से हमको प्राप्त हुई, उस संबंध में अपने बाड़मेर जिले में कैसे कार्रवाई करनी है, इस संबंध में हम सबको 37 फॉर्म को इकट्ठा होकर के कोई विचार करना चाहिए। मुझे खुशी भी कि अन्याय के विरुद्ध बाड़मेर में 36 फॉर्म इकट्ठी हुए और ये जो सिलसिला चल पड़ा है इसको हम कायम रखें, चाहे किसी के साथ अन्याय हो सबको साथ होकर के उसका विरोध करना चाहिए। जाति विशेष का कोई कारण नहीं है, एससी एसटी ओबीसी इनके तो हालात किसी से छिपे नहीं है, चाहे भले कोई अपने आप समझे, लेकिन पीड़ा जब उसको सहन करनी पड़ती है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता, करीब करीब वही सहन करते हैं। अगर हम सब मिल करके विचारशील व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, समाज के अनुभवी व्यक्ति, ये सब मिल करके इस प्रकार की पीड़ा के लिए कोई आवाज उठाते हैं तो ये सबसे पवित्र काम है, सबसे अच्छा काम है, आत्मा को संतोष देने वाला काम है। और इसमें जाति और वर्ग विशेष में बांटने की कोई जरूरत भी नहीं। इस वोट की राजनीति ने समाज को बहुत बांटा, पहले तो वर्ण व्यवस्था ने बांटा, वो भी शासन की व्यवस्था थी कि भाई को भाई से बात नहीं करने दी जाए, टुकड़ों में बांटा रखे ताकि किसी न किसी प्रकार से इकट्ठे होकर के कोई मजबूत ना हो जाए और किसी प्रकार का अपराध हो, सरे आम अगर किसी को चीर फाड़ के फेंक दिया जाए तो भी कोई बोले नहीं, और वो मनोवृत्ति अभी तक छाई हुई है सभी के और काफी लोग भोग रहे हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, हमारे भाई कई लोग ऐसे भी हैं जो आज गांवों में बैठे हैं, ऐसे क्षेत्रों में बैठे हैं जिनके साथ क्या क्या अन्याय होता है उसके विरुद्ध वो नहीं बोलता, उनकी समस्याएं वही भोगते हैं। इस बालक की जो पिटाई भी और जिसने अपराध किया उसके प्रति किसी भी इंसान में कोई सहानुभूति नहीं, और अपराधी अपराधी होता है और उसके विरुद्ध जितनी सख्त कार्रवाई हो सके उसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। कोई भी सरकार हो, जब सरकार शासन में है तो जवाबदारी निश्चित तौर से सरकार की बनती है कि न्याय करें और सभी बातों के लिए मानदंड भी समान हो, मुआवजा देने का मानदंड भी समान हो, ये बात बहुत अच्छा है। और इस बात के लिए जो कुछ भी करना पड़े हम सब एक साथ हैं, जहाँ जरूरत होगी वहाँ। और एक और आग्रह करना चाहता हूँ, अन्याय जब भी हो तो अपराधी किसी न किसी जाति का अवश्य होगा, लेकिन जब जाति की बात आती है तब अपराधी की जाति के लोग अगर पीछे खिसक जाए तो ये दुर्भाग्य की बात है। और न्यायप्रिय समाज जो है उनको तो पता ही पीछे नहीं होना चाहिए, अपराधी है तो अपराधी भोगे, अपने स्तर पर भोगे, और अपराधी का विरोध करने पर अगर समाज विरोध करता है कि आप हमारी जाति के हो और आप हमारा विरोध करने चले गए उसके विरुद्ध बोलते हैं तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है, उसको किसने कहा तुम अपराध कर रहे हो, इस प्रकार से मारोगा बच्चे, छोटे बच्चे वो खेल रहे हैं, वो स्कूल गए हैं तो माँ बाप के बाद में घर से निकल करके जहाँ भी गया है वहाँ उसका दायित्व होता है कि बच्चे की देख रेख कैसे करें, उसका ध्यान कैसे रखें। मार्केट का तो समय ही बदल गया, एजुकेशन आजकल किस प्रकार से होती है सब लोग जानते हैं, सभी पढ़े लिखे लोग जानते हैं, पद्धतियाँ बदल गई है, मनोरंजन की पद्धति से, खेल कूद की पद्धति से बच्चे को ये अनुभव नहीं हो कि मैं कहीं किसी ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर उसके इर्द गिर्द भय का वातावरण नहीं हो और खुले वातावरण में वो शिक्षा प्राप्त करे, इस प्रकार की पद्धतियाँ अब चल पड़ी है और उसके अनुसार शिक्षा वगैरह दी जा रही है। हाँ ये बात जरूर है, कोई
दुर्भाग्य से किसी के साथ अन्याय हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कोई जानबूझ करके अपराध करता है तो उसके विरुद्ध हम सबको मिलकर के विरोध करना चाहिए। आपने उदाराम जी ने याद किया और इस दुखद घड़ी में आप यह न समझे कि वो सिर्फ मेघवाल जाति का था, 36 कौम उसके साथ खड़ी है, अन्याय है, उसके लिए जो भी आप संघर्ष करेंगे हम आपके साथ हैं और साथ खड़े रहेंगे, और सरकार से भी ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बना करके मांग की जाए और उचित मुआवजा उसको दिलाया जाए और अपराधी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई हो, यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, मौका दिया इसके लिए। जय भीम जय भारत। बुलाते हैं, मेरा नाम माधव कुमार घारू है और मैं आपके बंदे हूँ, प्रदूषण में ये जो वकील साहब ने कहा है बहुत अच्छी बात की है और उदराम जी भी बात की बहुत अच्छी बात की, दोहरा नहीं चाहता मैं दोबारा, मगर बात ये है कि मार कूट के फेंक देना और ख़त्म कर देना, उसके बाद में पैसे देना, नौकर देना, लालच दे के बंद कर देना, तो ऐसा ये चलता रहेगा, मारते रहेंगे, नौकर देते रहेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि सीधी सीधी बात है, चाहे एक्स वाई जेड जाति का जो हमारे साथ अत्याचार करता है, हमारे साथ जो अन्याय करता है और हमारे पर जो लाठीचार्ज करता है, मारकूट करता है, मारता है, उसी के साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए ताकि जिंदगी में जा सके। कहने का मतलब ईंट का जवाब पत्थर से, तब जाके ये समस्या खत्म होगी, जैसे परशुराम ने किया था वैसे ही ये होना चाहिए। अभी की बात है, अभी 13 तारीख की बात है, वाल्मीकि समाज के बंदे पढ़े लिखे 16 साल का लड़का जा रहा था, सभी राजपूत नहीं, एक राजपूत का बंदा, उसको टक्कर मारी और गाली गलौज किया तो उसने क्या मैं दिखता नहीं गया, तो उसने थप्पड़ मार दी बच्चे को, थप्पड़ मार दी तो उसने वापस मार दी, पाँचे और लोग आ गए, फिर उन्हें झगड़ा हो गया, फिर हमारा समझ आई, ईंट का जवाब पत्थर से दिया उनको, हमारे बंदों के लगी उनका मुंह तोड़ दिया, वास्तव में बत्ती और उनके बंदा एक दिन पकड़ा गया और हमारा बंदा अभी जेल में पड़ा 13 तारीख से। मैं भी गया था, उन्होंने आनंद से बात की, उन्होंने छोड़ा नहीं, ये रिपोर्ट मेरे पास दर्ज है, अब उसका क्या करना, इसलिए मैं बोलता हूँ ईंट का जवाब पत्थर से दो, पैसे नहीं लेना, नौकर नहीं लेना, मारा है उसको ही मर, सीधी सी बात। लो उधर राम जी, नहीं ये अपन दर्द कराएंगे अभी, ठीक, और इनके लिए जो है भाई इंद्र कुमार के लिए हम तैयार है, चलो विचार विचार है, अपने अपने विचार है, विचार है, विचार विचार है, ये जो सभी समाजों के बहुत ही निंदनीय घटना है, हम सब लोग इस घटना की निंदा करते हैं और ये एक सोच को सामंती सोच कहो या इस तरह की प्रवृत्ति जो मानसिकता बनी हुई है कि आज वर्ण व्यवस्था शुरू हुई, सदियों से ये इस तरह की जो व्यवस्था समाज के अंदर जो कायम है, जिसकी वजह से हम इस तरह की कुरीतियों से घिरे हुए हैं, चाहे छुआछूत हो, दूसरी ऊंच नीच की व्यवस्था हो, तो पहले से ही भुगत रहे हैं और उसके आज़ादी के बाद में भी आज अपन अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज दिन तक वो जो बुराइयां समाज की सामाजिक ढांचे की है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, अभी तक चल रही है। आज़ाद भारत में देश का कानून बन गया, संविधान लागू हो गया, संविधान में सब व्यवस्थाएँ ठीक कर दी, संविधान की जो व्यवस्था है उसके अंदर जो सदियों से जो जातियां पिछड़ी रही है, दलित रही है या शोषित रही है उच्च वर्ग के द्वारा, उच्च वर्ग की जातियों द्वारा, इस वर्ण व्यवस्था के सिस्टम से उनको वापस बराबर लाने के लिए संविधान ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था का आज भी कहीं कहीं कोई कमी है, जिसकी वजह से आज इस तरह की घटनाएँ हो रही है और हम सामाजिक ढांचे के अंदर ये इस तरह की सामंती और वर्ण व्यवस्था की मानसिकता को अपन निकाल नहीं पाए हैं, तो ये अपने लिए दुर्भाग्य की बात है। देवगढ़ समाज या अनुसूचित जाति जनजाति का जब वो 2 अप्रैल का मामला था तो
उसमें भी हमसे निवेदन किया गया, हमने किसान हॉस्टल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके उस पार्क बंद का समर्थन करने का हमने अपील की थी। उसके बाद में जब ये 2 अप्रैल की जो घटना हुई उसके बाद में ये मारपीट हुई और पुलिस ने जिस तरह का दमन चक्कर चलाया उसमें भी बहुत अत्याचार हुए और कई मुकदमे आप लोगों पर दर्ज हुए। और उदाराम जी और लक्ष्मण जी जेल में थे, जेल से मेरे को फोन किया कि हमारे समाज के लोगों पे कुछ कर्मचारियों पे प्रशासन वालों ने झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए और उसमें दर्ज कराने वाले में हमारे समाज के 2 बंदों से मुकदमे उनसे करवाए थे। तो ये सबको पता है कि उदाराम जी के कहने पे ये सवाई जी बैठे, आदूराम जी बैठे, प्रधान साहब, प्रियंका जी प्रमुख थे, सब लोग आए और हमने कोशिश की और हमने पुलिस के अंदर और एसपी साहब को शपथ पत्र दे करके वो मुकदमे 2 थे हमारे समाज के लोगों के द्वारा, हम बिना किसी लेन देन के हमने वो विड्रॉ करवाए थे। और उसके बाद में उदाराम जी के साथ में भी इस तरह के एक बार सामंती तत्वों ने इनको टोल करना शुरू कर दिया और इनको भला बुरा कहना शुरू किया, तब भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके और उसका खंडन किया, उनको मुँह तोड़ जवाब दिया। तो इस तरह के अन्याय अत्याचार, इस तरह की जो मानसिकता के लोग हैं वो करते रहे हैं, करते रहेंगे जब तक अपन एक नहीं रहेंगे अपनी व्यवस्था के अंदर। इस व्यवस्था के अंदर नहीं घुसेंगे अपन, SC ST एक्ट बन गए, OBC का एक्ट बन गया, लेकिन अभी भी इसका फायदा जब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ऊंचे पदों पे लोग जिस मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, जुडिशरी के अंदर जिस मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं उसमें इन वर्गों में से नहीं है। तो वो लोग जब भी मौका मिलता है अपने को दबाने की, कानून के हिसाब से कलम के हिसाब से दबाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते और अपने साथ में लगातार अत्याचार वक्त वे वक्त सरकारों के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा और सामाजिक सिस्टम के लोगों के द्वारा जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं उनके द्वारा बराबर किया जा रहा है। मैं आपको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोगों ने पहले भी आपके आह्वान पर सहयोग किया है, आज भी मैं मीडिया के मार्फत अपील करूंगा अपने समाज के लोगों के कि जो भी आपके आप लोग मिलकर के जो स्टेप उठाओगे हम आपके साथ में हैं और हड़ताल प्रदर्शन जो भी जिस तरह से भी प्रजातांत्रिक तरीके से अपन कर सकते हैं मिल बैठ करके करेंगे और संघर्ष करेंगे और इस तरह की जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं इसके खिलाफ हम बिल्कुल कंधे से कंधे मिला करके आपके साथ में हैं और बिल्कुल मुआवजा और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, हम यही चाहते हैं। आपने बोले नाम है मेरा, गांव तो जोधपुर रहते हैं और आज जोधपुर से आया हुआ था और मुझे पता चला कि पोस्टिंग वगैरह रही कोई पता तो लगे ना विभाग ने लॉक किया मैंने और जोधपुर में भी आज प्रोग्राम हो रहा है। मैं कोई व्यक्तिगत काम से आज यहाँ बाड़मेर आया हुआ था, मुझे पता चला कि यहाँ बैठक हो रही है, संबंध में सब मेरी हाजिर हुआ। एक बहुत अच्छा कदम है कि आप लोग इस घटना का जो विभिन्न घटना हुई है उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सबसे मोटी जो चीज़ है समझने की चीज़ है अपने को कि हम काफ़ी लोग बैठे हैं यहाँ पे, गुरुजन ने मारपीट की है, किसी ने विरोध नहीं किया है ना, लेकिन आप कारण देखो किस कारण से की है, कितना घृणित यानी सोच है के मटके के हाथ लगा दिए। बात इस कारण को देखो ना, पिता बच्चों को यहाँ बैठे हैं ऐसा कोई नहीं होगा जिसको स्कूल के अंदर पिटाई नहीं की है और इतना घृणित तरीके से कोमल जगह पे उसको मारा कि उसकी मौत हो गई। मौत का कारण देखो, क्या हम लोग इसी तरीके से प्रताड़ित होते रहेंगे क्या? ने कहा इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। समाज के अंदर शिक्षा जो है उसकी कमी सीधी सी बात है और कारण भी है। मैं मारवा भी गया था जितेंद्र की हत्या के टाइम में, 250 घर है मेघवाला में, एक भी आदमी के पास में 1 इंच जमीन नहीं। क्या उनको जमीन मिली नहीं होगी? क्या जमीनें मिली थी उनको, लेकिन उन जमीनों के ऊपर कब्जे वहां के सामंतों ने कर दिया। तो ये जो कारण है ना, उस कारण जब तक हमें पता नहीं चला गया कि मार क्यों रहे हैं, उसको मारा क्यों,
बच्चे को क्यों मारा? पानी पी लिया ना? कहानी पढ़ते हैं हम लोग कि एक कौआ प्यासा था, जो मटकी के अंदर पानी नीचे था तो उसने कंकड़ डाले और पानी पी लिया। यानी वो मटकी किसी की थी, कंकड़ डाल के कौए ने तो पानी पी लिया, लेकिन एक अछूत पानी नहीं पी सकता उस मटकी के अंदर। कुत्ता बिल्ली पी सकता है, पशु जानवर पी सकते हैं, अछूत नहीं पी सकता। तो अछूत है ना हम लोग, पूरी तरह से अछूत बनो यार। अब कहोगे कैसे बने अछूत? बिजली रे तार आले है, कोई हाथ लगावे? अछूत है नहीं तो आप रे मोहन ने जब तक वो करंट नहीं आवेला, जब तक कहीं नहीं है। बिच्छू जा रहा था यूं सो एक बिच्छू ने पूछो के थारी और हमें हिरदार कौन है, लीडर कौन है थोड़े? तो तुम्हें कह हाथ लगाए देख लो पता लाग जाए लीडर कौन है। तो बिच्छुरी फौज बननी पड़ी, पतो लागे नहीं तो पतो को लागे नहीं, कायम ढूंढो। यानी पानी मारो तो निवेदन है कि हम घरों घड़ा लाएंगे कलेक्ट्रेट में फोड़ो, कि ये घड़े में पानी पियो तो ये टाइम फोड़ोगा। विरोध तो करना पड़ेगा और मजबूती भी करना पड़ेगा। मार खाता रहे और वकील साहब जो जने जने कूटता रहे, आज ये कुटो ठीक है। कोई कहानी पड़ी थी मुर्गो काटन ले जाओ, बिजोड़ मुर्गो देखे मैंने थोड़ी काटन ले जाओ, बिजोड़ हमारे ठीक है न। तो अगर मान लो ये मैं डरता रहा हूँ हमें वैन का आगे बाल दी हूँ तो कह ठीक है, डरो तो ठीक है, डरता रहो, कहीं ना कहीं बीजो करना पड़े। इतना ही निवेदन है, थैंक यू। तो समाज के लोग बैठे हैं, जो जालौर की घटना हुई है ये पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। किसी समाज या किसी विशेष की बात नहीं, पूरी इंसानियत के लिए और पूरे इंसानियत के साथ जुल्म हुआ है। इस जुल्म के खिलाफ हम सब मिलकर एक होकर सरो समाज मिलकर आवाज उठाएं और आप जो भी आदेश करें, समय है बहुत ज्यादा बोलने वाले हैं, समय इजाजत नहीं दे रहा है, पर एक ही बात है, जो जो जब जब अपराध हो हम संगठित होकर सरो समाज के लोग उस अन्याय के खिलाफ खड़ा रहे हमेशा के लिए। और ये है उदाराम जी, जो आप लोग आदेश करेंगे उस आदेश की हम पालना करते हुए हम पूरे आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। उस अन्याय के खिलाफ जो कल आप जो रूपरेखा बताएंगे उस रूपरेखा में आपके साथ हैं। आज हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, हम किससे मजहब से ताल्लुक हैं, हम किस जाति से ताल्लुक हैं, हम कभी नहीं देखते हैं। हम शादी में, पिया में, ओसर में, हर जगह एक ही मोहल्ले में रहते, भाई भाई की तरह रहते हैं। जब हमारा मुकद्दर वोट की तरफ जाता है, हमारा मुकद्दर वोट बनता है, तो हम जातियों में बढ़ जाते हैं, बरादरियों में बढ़ जाते हैं, एक दूसरे को धर्मों में बांट जाते हैं। तेरा रंग वो मेरा रंग वो, ये हमें नहीं, हमें इंसानियत की, जो इंसानियत के खिलाफ जिस तरह से जुल्म है उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाकर करना है। और आप जो भी कहोगे हमारी पूरी मुस्लिम समाज आपके साथ है और मुस्लिम समाज इस आपके दुख परे, जो ये है हम सबको इस दिल में दुख है। और आप जो भी आदेश करें, जैसे भी आप रूपरेखा बनाए, हम सब सवाल साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। पधारे हुए समस्त भारतीय के सभी मौजूद बुजुर्गण, सभी गांव के लोग, सभी आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं जालौर में, जो एक अमानवीय घटना घटी है उसको लेके हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं।
और उस परिवार को न्याय कैसे मिले उसके लिए हम यहाँ एकत्रित हैं। ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, अभी जो बात करी कि भाई पैमाना सरकार का एक तरफ 5 लाख रुपए की घोषणा कर रहे हैं और एक तरफ 50 लाख की घोषणा करते हैं, ये पैमाना सही नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए कि पैमाना एक ही होना चाहिए, चाहे कोई किसी की कहीं कोई घटना कहता है। अब ये घटना जो शिक्षक है क्या नाम खेल सिंह द्वारा उसके थप्पड़ मारी गई तब उसकी डेथ हुई, कॉज ऑफ डेथ वही है जिस प्रकार से कन्हैयालाल के गला काटा गया, तो उसको भी मारा गया था, इसको भी मारा गया है, दोनों जगह सेम चीज़ है कि आदमी की मौत मृत्यु कैसे हुई। इसलिए जो सरकार ने मुआवजा उनको दिया वो मुआवजा यहाँ मिलना चाहिए, और जो परिवार मांग करता है सरकारी नौकरी की तो वो भी उन्हें मिलनी चाहिए, उनका हक है। उनके घर से एक छोटा बच्चा, किसी के परिवार का बच्चा बच्चा होता है, उसमें जाति धर्म कोई मतलब नहीं रखता, उसको आपने इस तरीके से मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गई, ये क्षमा करने लायक नहीं है। मैं हम की घोर निंदा करते हैं और हम सब आप जो भी सीनियर लोग जो कमेटी तय करेगी हम सब आपके साथ हैं, जहाँ चलना होगा जहाँ जाना होगा हम आपके साथ रहेंगे। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद जरूर भाई, निर्णय घटना पर अपन सब याद किए हुए हैं, और घटना वास्तु में ही निर्णय है। एक बच्चा था स्कूल में पढ़ने वाला, मास्टर होते हैं दुश्मनी होते हैं तो आप बराबर की होती है, बच्चे से किसी को बिगाड़ा ही नहीं था उसको, सिर्फ जैसे मान लो कह रहे हैं कि सिर्फ मटकी में पानी पीने की वजह से या किसी वजह से हुआ तो बच्चे के साथ में अन्याय हुआ, उसकी हत्या हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। और हत्या हत्या होती है, चाहे किसी कौम से हो, कैसे भी हो, चाहे गला काट के हो, चाहे मार पीट करके हो, सरकार का हमेशा मापदंड एक होना चाहिए। तो भी एक दफे जैसे मान लो उसके गला काटने को दो आदमियों को नौकरी दी है, 50 लाख रुपए दिए हैं, तो यहाँ 5 लाख रुपए दे के अतिश्री नहीं करनी चाहिए सरकार। सरकार का ये दायित्व होता है कि अपने को तो सबको एक नज़र से और बराबर देख के जो कुछ भी होता वो अपने हिसाब से कर सकते। अब जो भी आगे का यहाँ का सर्व समिति का आदेश होगा, सर्व समिति का जो भी होगा, 36 कौम है, इस निंदा में हम भी 36 कौम के साथ में है, बाकी सारी बातें आपको बलराज ने कह ही दी है, और हम जो भी यहाँ से होगा तन मन धन से पूरा समर्थन करेंगे, जय दिल से जैसा भी कदम उठाएगी हम उनके साथ हैं। जय हिंद। सभी को जय जवाहर जय भीम। जालौर के सुधराना गांव में इस नाम के और बच्चे के साथ घटना हुई है, थोड़ी बात कि